एवरीवन, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम है। वी हैव ऑलरेडी हर्ड दिस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल इन आवर आईजीपी। एक्चुअली तो एक्चुअली व्हाट इज दिस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम इज, इट इज अ इंट्रा डोमेन राउटिंग एंड द मीनिंग ऑफ इंट्रा डोमेन मीन्स एवरी राउटर विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम विल शेयर इंफॉर्मेशन विथ अदर राउटर्स, दैट इज विद द हेल्प ऑफ डीवीआर, दैट इज डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। सो इन दिस डायग्राम n1 n2 n1 n2 n3 n4 n5 ऑल आर दीज आर व्हाट, दीज आर राउटर्स एक्चुअली and they are connected with each other which is known as link. So this links are what, 1 2 6 3 5, you can say this is a link, or you can also say this is a hop count, or you can also say it is a cost, you can also say it is a propagation delay. So as we can see all these things to this linked numbers which I have put in here. राइट, सो फर्स्ट टाइम व्हाट हैपेंस, पहली बार क्या होता है जब राउटर आपका नेटवर्क आपका जब आप चालू करते हैं, तो फर्स्ट टाइम सभी राउटर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अपने सभी राउटर्स अपने नेबर को क्या भेजते हैं, हेलो पैकेट। जिस हेलो पैकेट की वजह से हमारा राउटर क्या करता है, अपने राउटर राउटिंग टेबल को वो अपडेट करता है। तो सबसे बेसिकली अपना राउटर सबसे पहले कैसे अपडेट करेगा, चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट करे। तो यहाँ पे देख रहे होंगे पहला क्या हमारा N1, तो N1 को N1 क्या करेगा, पहले अपने आप अपने डेटा को पहचानेगा। डेटा को कैसे पहचानेगा, तो भाई सभी पहले राउटिंग टेबल में वो क्या जानेगा, पहले सबसे पहले सबके पास हेलो पैकेट पहुंचेगा। हेलो पैकेट से क्या पता चला कि N1 तो कि N2 N3 N4 और N5 नाम के भी यहाँ पर राउटर है। तो डेस्टिनेशन से इसके क्या क्या हो गए, N1 N2 N3 N4 और N5। तो यहाँ पे कहा जाता है एट N1, मतलब एट N1 पे, N1 से N1 का कितना डिस्टेंस होगा, भाई खुद को है तो डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो हो गया, और नेक्स्ट होप क्या हो गया आपका, N1 हो गया। उसी तरीके से N1 से जब N2 जाएगा, तो N1 से N2 जाएगा तो उसके पास कितना डिस्टेंस होगा, यहाँ ऑलरेडी दिया गया है। N2 का क्या डिस्टेंस होगा, 1, और नेक्स्ट होप क्या होगा, N2। अब N1 से N3 तक जाना है उसे, तो भाई वो N1 से N2 तक तो जानता है, बट इसके बाद का नहीं जानता है। उसके बाद का नहीं जानता है, तो N3 इसके लिए क्या हो गया, इट इज इनफाइनाइट एंड वी डोंट नो द नेक्स्ट होप हाउ टू गो देयर। नाउ सेकेंड N4, N1 टू N4 जाना है, वही सेम चीज, N1 को N2 तक तो पता है लेकिन इसके बाद का नहीं पता है, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, ये भी इन्फिनाइट हो जाएगा और नेक्स्ट होप हो ही नहीं सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं जानना किधर। लाइक N5 तक भी सेम वही चीज है, इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट एंड डू नॉट नो द नेक्स्ट होप। सेकेंड, अब N2 जब पहली बार अपने को अपडेट करेगा, तो N2 के अड़ोसी पड़ोसी क्या क्या हो गए, N1 N5 N3, इन सब का तो ये जानता होगा कि कितना कॉस्ट पड़ेगा या उसका कितना डिस्टेंस है, बट N4 का ये यहाँ पे नहीं जान पाएगा। तो चलिए उसके लिए लिखते हैं, पहले तो ये अपना पास जाएगा N1 N2 N3 N4, ये तो इसे पता चल गया कि यहाँ पे ये राउटर्स है, लेकिन डिस्टेंस नहीं पता है। तो N2 से N1 जाने का डिस्टेंस क्या हो गया, 1। नेक्स्ट होप क्या है इसका, N1 ही है। N2 से N5 सॉरी N2 से N2 तक जाने का क्या होगा, 0। होप नेक्स्ट होप N2। N2 से N3 जाने का डिस्टेंस 6 6, और नेक्स्ट होप क्या हो जाएगा इसका, N3। N2 से N4 जाना है, नहीं पता, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इनफिनाइट, नेक्स्ट होप इज नथिंग। N2 से N5 तक जाना है, तो यस इसको पता है क्या है डिस्टेंस, 3, और नेक्स्ट होप क्या हो जाएगा इसका, N5। इसी की तरीके से हम लोग N3 भी कर लेते हैं, तो N3 में डिस्टेंस पहला कहाँ कहाँ जाएगा, ये N1 N2 N3 N4
और N5 तक का मुझे चाहिए यहाँ पर डिस्टेंस वेक्टर एक्चुअली। सो N3 से N1 नहीं पता, नहीं पता, तो यानी अब वो कैसे जाएगा N1 से डिस्टेंस, N1 से N3 से N1 नहीं पता, तो क्या हो गया यहाँ पे इनफिनाइट। ठीक है, नेक्स्ट हो N2, राइट। तो ये कुछ इस तरीके का आपको दिखता है। अब यहाँ पे जो N3 हमारा, N3 से N2 का कितना है, तो यस यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है N2 के लिए N3 से N2 जाना है, तो क्या हो जाएगा 6, एंड नेक्स्ट होप इज व्हाट N2। N3 से N3 0, नेक्स्ट होप इज N3। N3 से N4 2, नेक्स्ट होप N4। N3 से N5 भाई नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा इनफिनाइट। और लाइक दिस, इस N4 को भी पता है N1 है, N2 है, N3, N4 और N5 है, डेस्टिनेशन ये है। तो N4 से N1 यहाँ पर है, इसको नहीं पता, तो डिस्टेंस क्या हो गया इन्फेनाइट। नेक्स्ट ऑफ डोंट नो। N4 से N2 भाई ये भी इन्फेनाइट, डोंट नो। N4 से N3 2 है, नेक्स्ट ऑफ क्या है N3 है। N4 से N4 0, एंड नेक्स्ट होप इज N4। N4 से N5 5 है, एंड वॉट इज द नेक्स्ट होप N5। लाइक दैट इसको भी फटाफट हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, N1 N2 N3 N4 एंड N5। और N1 इन्फेनाइट, नेक्स्ट होप डोंट नो। N2 3, नेक्स्ट होप N2। N3 इन्फेनाइट डोंट नो। फॉर N4 5 एंड नेक्स्ट होप इज N4। और N5 0, नेक्स्ट होप इज 5। अब इस तरीके से इन्होंने क्या कर लिया, सारे राउटर्स ने अपना पहला पहला अपडेट अपना राउटिंग टेबल पे इन्होंने कर लिया। अब ये जो अपडेट है ये एक ही बार में कंप्लीट नहीं हो सकती है, एक ही बार में। देखिए अभी कई राउटर्स है, सभी राउटर्स में ऐसा जरूर है कि वो किसी ना किसी राउटर का डिस्टेंस नहीं जानते हैं, तो उस राउटर तक वो पाथ कैसे भेजें। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे N1 में हम लोगों ने लिया है, तो N1 में देखिए क्या है, कई N3 इन्फिनाइट, N4 इन्फिनाइट, N5 इन्फिनाइट, ये इन तीनों के बारे में जानता ही नहीं है, तो डेटा क्या करेगा, भेज ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए क्या करेगा, ये दोबारा से अपडेट करेंगे, यानी सभी राउटर्स क्या करेंगे, फिर से अपना अपडेट अपने पड़ोसी राउटर्स को भेजेंगे। लेकिन राउटर राउटर में अपडेट भेजेंगे क्या, पूरा पूरा राउटिंग टेबल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या भेजेगा, केवल अपना डिस्टेंस वेक्टर भेजेगा, यानी ये जो डिस्टेंस इनको मिला है केवल नेबर्स को क्या भेजा जाता है, डिस्टेंस वेक्टर भेजा जाता है, पूरा का पूरा राउटिंग टेबल नहीं भेजा जाता। क्लियर? तो अब हम लोग चले देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम में होगा क्या। तो पहली बार देखिए N1 हुआ था, उसको अपडेट मिला, अब इसको जब दूसरी बार अपडेट मिलेगा तो ये कैसे चलेगा, लेट्स सी दैट। अब वो भी हम लोग देखते धीरे धीरे। तो उसके लिए क्या हुआ, डेस्टिनेशन यानी N1 को जो अपना डेटा भेज रहा है, N2 को, N1 को जो अपना डेटा भेज रहा है कौन भेज रहा है, N2। तो N2 ने क्या भेजेगा, अपना डिस्टेंस, राइट, डिस्टेंस भेजेगा, किसको भेजेगा, N1 को। N1 के क्या बनाएगा अभी, अपना न्यू राउटिंग टेबल, न्यू RT बनाएगा ये अपना। अब न्यू राउटिंग टेबल बनाएगा तो वही चीजें चलेंगी, क्या क्या चाहिए से, डेस्टिनेशन पहला चीज, दूसरा चीज डिस्टेंस, और तीसरा चीज नेक्स्ट होप। ठीक है, तो इसने जो अपना डिस्टेंस भेजा था, डिस्टेंस में क्या भेजा है N2 ने, 1 0 6 इन्फेनाइट और 3। डिस्टेंस में यहाँ पे क्या आ गया अपना, N1 N2 N3 N4 एंड N5। तो अब ये नया डिस्टेंस पाने के लिए कैसे करेगा यहाँ पे, अब इस चीज को समझिएगा। तो जब इसने पहला नया डिस्टेंस पाने के लिए किया तो कैसे चेक होगा, यानी चेक क्या होगा एक्चुअली में, एट एट N1 में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले डिस्टेंस चेक करने के लिए N1 से N1 तक, ठीक है, N1 से
N1 तक क्या जाएगा। तो N1 से N1 अपना, तो N1 से N1 क्या रहेगा, डिस्टेंस है जीरो ही है, तो जीरो ही रहेगा। नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा, N1। अब N2 तक भेजना है, तो N1 से कहाँ तक भेजना है, हमें N2 तक भेजना है, तो हमारा नेक्स्ट होप है ही है, तो हमें पता है। तो N1 से N2 जाने में कितना लगेगा, 1। नेक्स्ट होप क्या हो रहेगा, N2 रहेगा, ठीक है। अब N3 तक जाना है, N3 तक जाने के लिए कैसे जाएगा ये हमारा, पहले N2 के पास, फिर N2 से N3 के पास, राइट। तो यहाँ पे जो चला, जो हम लोग डालेंगे वो क्या डालेंगे, N1 से कहाँ तक गया, N2 तक, एंड N2 से कहाँ गया, N3 तक। तो N1 से N2 तक जाने का कॉस्ट कितना है, 1, ठीक है। और N2 से N3 जाने का कॉस्ट कितना है, ये कौन बताएगा, ये बताएगा। तो N3 तक जाने का कॉस्ट कितना है, 6। ये क्या हो गया, 1 प्लस 6, कितना आया, 7। सो इसका डिस्टेंस अब यहाँ पे इनफिनाइट से बदल के क्या हो गया, 7, ठीक है। अब इसी चीज को से कहाँ पे भेजना है, N1 से N4 तक, मतलब हमें N4 का चाहिए, तो हमारा क्या जाएगा, N1 से कहाँ तक जाएगा, N4 तक, सॉरी N2 तक पहले, फिर एंड N2 से N4 तक, सिंपल। N1 से N2 तक का कितना डिस्टेंस है, 1, प्लस N2 से N4 का कितना डिस्टेंस है, इनफिनाइट। तो 1 प्लस इनफिनाइट इज इक्वल टू इनफिनाइट, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनफिनाइट। और नेक्स्ट होप तो हमें पता ही नहीं है, सॉरी यहाँ पे मैं इसका होप लिखना भूल गया, तो होप इसका क्या आएगा, N2 ही आएगा, ठीक है। N4, अब लास्ट हमारा क्या है, N5 तक जाना है हमें, तो N5 तक मैं कैसे जाऊंगा, N1, N1 से N2, एंड N2 से N5। N1 से N2 जाने का कॉस्ट कितना है, 1, प्लस N2 से N5 जाने का कॉस्ट कितना है। हाँ, ये कहाँ से पता चलेगा हमें, इसके डिस्टेंस से, तो इस क्या पता करा, 3। 1 प्लस 3 इज इक्वल टू हाउ मच, 4। सो द डिस्टेंस इज व्हाट, 4, एंड द नेक्स्ट होप इज व्हाट, N2। पहले ये कहाँ पे गया, N2 के पास ही गया ना, इसीलिए नेक्स्ट होप क्या हो जाएगा, N2। तो अब यहाँ पे इसका राउटिंग टेबल अपडेट हो गया, जिसमें पहले 3 इनफिनाइट हमें दिखाई दे रहे थे, अब यहाँ पे केवल एक ही इनफिनाइट बचा। चलिए इसका नया राउटिंग टेबल हम यहाँ पे भी अपडेट कर देते हैं, इसको कर देते हैं डिलीट, इधर पे आए, अपडेट इसको भी कर लेते हैं। तो हमारा जो नया अपडेशन मिला सेकेंड टाइम के लिए, ठीक है, दिस इज आवर सेकेंड राउंड। फर्स्ट यहाँ पे हमें क्या मिला, 0, N2 के लिए 1, N3 के लिए 7, N4 के लिए इनफिनाइट, एंड N5 के लिए कितना, 4। एंड द होप इज हियर, N1, N2, N2 वी डोंट नो, एंड N2। सो दिस इज द फर्स्ट अपग्रेडेशन, लेट्स नाउ सी द सेकेंड वन मोर टेबल टू अपडेट। सो नाउ वी विल सी द N2, हाउ दिस N2 विल अपडेट हिमसेल्फ, सो लेट्स चेक नाउ हु विल सेंड द डिस्टेंस, N3, N3 विल सेंड हिज डिस्टेंस, एंड ऑल्सो N5, N5 विल ऑल्सो सेंड हिज डिस्टेंस टू हुम, टू N2, मीन्स N2 विल क्रिएट अगेन हिज न्यू टेबल, राइट। न्यू टेबल, सो वी विल डू दिस इन अ प्रॉपर मैनर, मैनी पीपल विल नॉट गेट अंडरस्टैंड वॉट इज गोइंग, विल राइट इट डाउन फ्रॉम N3 विल सेंड हिज डिस्टेंस, एंड N4 विल सेंड हिज, सॉरी N4 नॉट N4, N5, बिकॉज इट्स नेबर्स आर हु, N5 एंड N3, N5 और N3 ही नेबर्स हैं, इसीलिए वही केवल डिस्टेंस भेजेंगे, बाकी और कोई डिस्टेंस
नहीं भेजता, और ये किसको भेज रहा है, हमारा एन टू को भेज रहा है, और एन टू क्या बनाएगा अपना न्यू राउटिंग टेबल, न्यू आरटी रेट। तो न्यू राउटिंग टेबल के हिसाब से पहले चाहिए हमें डिस्टेंस, फिर चाहिए हमें सॉरी डेस्टिनेशन, फिर हमें चाहिए डिस्टेंट, फिर हमें चाहिए नेक्स्ट। तो डेस्टिनेशन यहाँ पे पर्टिकुलरली पहले से होंगे N1, N2, N3, N4 एंड N5, दीज ऑल आर द डेस्टिनेशन। तो डिस्टेंस इसने जो भेजा पहले, हमारे N3 ने भेजा, N3 का डिस्टेंस ये सारे है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट दैट। तो पहला इसका क्या है, इनफिनाइट, दूसरा इसका क्या है, 6, देन 0, देन 2 एंड देन अगेन इनफिनाइट। एंड N5 का भी हम लोग ले लेते हैं, पहला क्या है इनफिनाइट, अभी पहला इनफिनाइट है, दूसरा क्या है 3, फिर क्या है अगेन इनफिनाइट, देन 5, देन 0। तो अब देखो वहां पे ना केवल एक ही था, N2 ही केवल भेज रहा था यहाँ पे। अब देखो इस N2 को दो भेज रहे, तो दोनों के डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे वैल्यू करेंगे, ठीक है, केवल एक को ही देख के हम लोग नहीं चलने वाले यहाँ। क्लियर है? ओके तो अब इसके पता है दो रास्ते होंगे जाने के, दो रास्ते कैसे होंगे। अब देखो अगर N2 को N1 के पास जाना है, तो भाई N2 को N1 के पास जाना है तो ऑलरेडी एक डिस्टेंस इसका डायरेक्टली क्रिएटेड है, तो वो क्या रहेगा, हमेशा N1 चेक करेगा ना, ये N3 का इन्फेनाइट है, N5 का इन्फेनाइट है, ठीक है, और N2 से N1 तक जाना है तो उसके खुद की टेबल में क्या है, 1 है, राइट। तो एक क्या हो गया हमारा, 1 हो गया, ठीक। तो इनफेनाइट, इनफेनाइट से अच्छा क्या, 1 है, तो यहाँ पर डिस्टेंस हमें क्या मिल जाएगा, 1, एंड नेक्स्ट हो क्या हो जाएगा इसका, N1, राइट। अब N2 से N2 तक जानना है, तो भाई N2 से N2 जाने के लिए यहाँ पे तीन चीजें हैं, N2 से N2 खुद को ही जा रहा है वो, तो एक के पास 6, एक के पास 3 है, और एक के पास क्या है, मतलब N3 के पास मेरे पास 6 है, N5 के पास मेरे पास 3 है, और N2 के खुद के पास क्या है, 0। तो सबसे शॉर्टेस्ट क्या है, सबसे छोटा क्या है, 0। डिस्टेंस ये क्या कर लेगा, 0, और ये किसके होप के थ्रू जाएगा, N2 के थ्रू ही जाएगा, ठीक है। हाँ अब N3 तक जाना है, N3 तक जाने के कुछ रास्ते हो सकते, क्या रास्ता हो सकता है, तो या तो N2 से N3 डायरेक्ट चला जाए, ठीक है, या फिर N2 से N5 जाए, और N5 से N3 तक जाए, राइट। तो अगर मैं N2 से डायरेक्टली N3 तक जाता हूं तो कॉस्ट कितनी है, 6, और N2 से N5 तक जाता हूं तो कॉस्ट कितना होता जाता है, 3, और N5 से N3 तक जाता हूं, ठीक है, N3 इसका क्या है, N3 इसका क्या है, इन्फेनाइट है। तो N2 से अगर N5 जा रहा हूं तो 3 कॉस्ट लग रहा है, और N5 से N2 जा रहा हूं तो क्या लग रहा है मेरा, N5 से इन्फेनाइट आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐड करेंगे तो ये क्या आ गया, इन्फेनाइट है, ठीक है, बट N2 से N3 और N3 से N3 जाऊंगा तो प्लस आ गया 0, विच इज इक्वल टू 6। सो द डेस्टिनेशन हियर विल बी 6 एंड नेक्स्ट होप विल बी N3, राइट। और अब हमारा क्या जा रहा है, एन अब हम लोग को काउंट करना है, N2 है, N2 को कहाँ पे जाना है, N4 तक जाना है, ठीक है। तो N4 तक जाना है, तो N4 जाने के दो तरीके हो सकते हैं, पहला क्या आएगा, N2 to N5 एंड N5 to N2, एक ये आ सकता है, या दूसरा क्या आ सकता है, N2 to N3 एंड N3 to N4, दोनों रास्ते हैं, बट N2 से N5 दर्ज जाना है, ठीक है, N2 से N5 जाना है, तो N2 से N5 यानी N2 से N5 जाने का क्या कॉस्ट है, 3, ठीक है, और N5 से N4 जाना है जो हमें यहाँ पे बताएगा,
जो मैं यहाँ पे बताएगा, N5 से, N5 वाला ही है ना, N5 से N4 मुझे यहाँ पे जाना है, तो ये क्या बताएगा यहाँ पे कि कितना जाना है यहाँ पे, 5, सो 3 प्लस 5 7। या मेरे पास एक और रास्ता है, N2 से N3 गए तो वो क्या गया, 6। अब N3 से N4 जाना है तो उसका कितना है, 2, 6 प्लस 2 8, सो व्हाट, 7 इज हियर मिनिमम, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7। क्लियर? एंड नेक्स्ट होप इसका क्या रह रहा है, किसके थ्रू गया है, 7 किसके थ्रू मिला है, N5 के थ्रू मिला है, इसलिए नेक्स्ट होप इसका क्या हो जाएगा, N5। कूल, अब लास्ट जाना है, N5 तक जाना है, N5 तक जाने के अब क्या रास्ते हो सकते हैं भाई, एक तो सीधा रास्ता है N2 to N5, ठीक है, या एक और रास्ता है, क्या है, N2 to N3 एंड N3 to N5, जहां पे N2 to N3 कितना हुआ, N2 to N3 हो गया आपका 6, एंड N3 to N5 कितना हो गया, तो वो क्या दे रहा है, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट। दूसरा क्या है, N2 to N5 डायरेक्टली है, ठीक है, तो N2 to N5 कितना है, 3 है, वी विल पुट डाउन हियर 3, एंड द नेक्स्ट होप इज व्हाट, हेंस आवर N2 टेबल इज ऑल्सो अपडेटेड, लेट्स अपडेट। सो नाउ द रिजल्ट इज कूल, 1 0 6 7 एंड 8। See here, all the infinite values are lost. We have got all the paths to all the distance. सभी का सभी हमें distance पता चल चुका है हर router पे पहुंचने का, ठीक है, तो ये अब हमारा second round हो रहा है। उसी तरीके से second round सारे के सारे update होंगे, एंड जैसे ही update होंगे फिर से ये एक और round चलेगा, तब यहाँ पे ये फिर से update होगा, फिर से ये दोबारा बार चलेगा, फिर से ये update होगा, ठीक है। तो जो हमारा डिस्टेंस वेक्टर होता है मोस्टली आरआईपी में चलता है, तो आरआईपी में होता क्या है, हर 30 सेकेंड्स के बाद ये अपने अपडेट भेजता है, तो हर 30 सेकेंड्स के बाद सेम यही सिनेरियो हो रहा है जो आपको दिख रहा है। हाँ, हम लोग इसे ना उठा के डायरेक्टली भी लिख सकते कि सर हम यहाँ से देख लिए, फिर 2 देखा, फिर 5 देख लिया, तो हमें तो पता चल गया ना कि N3 से N4 तक कितना लग रहा है, 2, और N4 से N5 तक कितना लग रहा है, 5, 5 प्लस 2, ये आंसर हो जाएगा, करेक्ट। आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, बट मेरा ये इस तरीके से बताने का मकसद ये था कि आपको ये पता चल जाए कि राउटर किस तरीके से अपने पीछे एल्गोरिदम चलता है। तो राउटर के बैकएंड पे जो वर्क होता है ना एक्चुअली में, वो यही प्रोसेसर, इवन राउटर के अंदर प्रोसेसर लगने का मतलब ही यही है कि वहां पे भी कैलकुलेशन हो रहे हैं, और वो कैलकुलेशन शॉर्टेस्ट पाथ को पाने के लिए जो कैलकुलेशन चल रहा है वो सेम यही है जो मैंने आपको बताया। तो दिस इज अ स्मॉल टॉपिक हियर जो मैंने आज आपको बताया है, इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो स्टे ट्यून्ड टू NS3ED। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।